इस वीडियो में हम बात करने वाले इंसोमिया के बारे में। जी हाँ, इंसोमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि 20-30% लोगों को होती है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों के कहते हुए कि हमें रात भर नींद नहीं आती है। जी हाँ, यह रात भर नींद नहीं आने को जो है कि इंसोमिया कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण होते हैं। यदि आपको हफ्ते में 2-3 दिन अगर आपको नींद नहीं आ रहा है और ऐसा 3-4 महीने चल रहा है, तो इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा इंसोमिया की समस्या हो रही है। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको महीने में 1-2 बार ऐसा होता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा काम का लोड हो या तो बहुत ज़्यादा हम किसी काम की वजह से जाग गए हैं या कुछ इस तरीके से हमारा किसी के साथ थोड़ा कहासुनी हो गया है, तो उसके कारण भी कभी कभी नींद नहीं आता है। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यह नॉर्मल में आता है, आप आराम से 1-2 दिन के बाद या हफ्ते के बाद रूटीन आपका ठीक हो जाता है। इंसोमिया की जो समस्या है, ये ज़्यादातर होती कैसे है, इसके जो कि रीज़न होते हैं, एक तो क्या होता है कि हमारा कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। सपोज़ आपको कोई डिजीज़ है, कोई बड़ी बीमारी है, यानी कैंसर है या इस तरीके से कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इसकी जो है कि शिकायत हो सकती है, यानी आपको रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि वो आप तकलीफ में हो। दूसरा होता है कि यदि आपका काम का बहुत ज़्यादा लोड है, बिजनेस का बहुत ज़्यादा लोड है, ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेट नाइट हो रहा है, रूटीन पूरा ख़राब हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है कि हमारे पार्टनर के साथ कभी अनबन हो जाती है, उसके कारण भी नहीं होता है, किसी का जो है कि ब्रेकअप हो गया है, उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस कारण में भी उनको रात रात भर नींद नहीं आती है। और स्टार्टिंग में तो हमें ईजी लगता है, बट जैसे जैसे टाइम जाता है तो यह काफ़ी गंभीर समस्या होने लगती है, फिर हम मेडिसिन वगैरह पर भी आ जाते हैं। तो इसको आप बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको ईजिली क्योर कर सकते हैं आप। आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल और थोड़े कुछ योग अभ्यास करेंगे और थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से क्योर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी आपको जो है कि आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यानी आपका डाइट और बाकी चीज़ों को चेंज करें। यदि आप रात को थोड़ा टाइम से सोने की कोशिश करें और जब भी आप बेडरूम में जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग कम कर देना है, यानी साथ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग ना करें, यानी मोबाइल, टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह का प्रयोग कम करें। आपको नींद आने में इससे हेल्प मिलेगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है कि सोने से पहले चाय कॉफ़ी वगैरह ना पिए और डिनर थोड़ा जल्दी कर ले 6-7 बजे तक, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, तो आपको इस सब चीज़ों में क्या होता है कि मन चिड़चिड़ा सा रहता है, रात भर नींद नहीं आता, तो दिन में कुछ करने को मन नहीं करता है। बट आपको एक रूटीन के साथ 1-1.5 घंटे कोई भी एक्सरसाइज, यानी आप रनिंग करो, वॉकिंग करो, या तो आप जो है कि जिम में जाके एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, स्कीपिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी आपको करना ही करना है, या तो आप कम से कम 1-1.25 घंटा योगा अभ्यास करो तो बेस्ट है। तो यानी आपको रूटीन बना लेना है, कुछ भी हो जाए 1-1.5 घंटा आपको अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करना है। यह बहुत ही हेल्प करता है। जैसे मैं बहुत लोगों को इस तरीके से, लोग हमारे पास हैं जिनको यह समस्या है, तो हम उनको यह सजेशन देते हैं और उनको इस तरीके से हम 1-1.5 घंटे के सेशंस लेते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि यदि आपको इसके साथ साथ भी आपको मेडिसिन अगर आपका चल रहा है तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना है। जैसे अगर आपको ज़्यादा नहीं आ रही है, मतलब आप रात रात भर नहीं सो पाते, अगर आपने डॉक्टर ने आपको बोला कि थोड़ा गोली लेनी पड़ेगी, तो आप डॉक्टर का जो है कि गोली लेते रहिए। उसको ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आपको बिल्कुल बंद कर देना, धीरे धीरे उसको कम कीजिए, तो आपके लिए दोनों काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ योग आसन जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इस समस्या के लिए। तो आइए सबसे पहले हम करने वाले सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार आपको करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल मैट पर आ जाएं और इस तरीके से सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं, इसको कंटिन्यूस फॉलो करेंगे। तो आपको सबसे पहले स्थित प्रार्थना आसन एंड ऊर्ध्व हस्त आसन, देन उत्तान आसन, देन गो बैक राइट लेग बैक अश्व संचलन एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, देन गो अष्टांग नमस्कार, इनहेल भुजंगासन, अगेन एक्सहेल डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल एंड एक्सहेल राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल ऊर्ध्वस्थासन, एक्सहेल ताड़ासन। यह सूर्य नमस्कार का सीक्वेंस है, इसको आपको 8-10 राउंड करना है। आप 10-20 भी करें तो बहुत ही बेस्ट है। दूसरा आपको करना है सर्वांगासन। सर्वांगासन में भी आपको 2-2, 4-4 मिनट रुकना है, कम से कम 2-3 राउंड करें। आपको अगर सर्वांगासन में तकलीफ हो रही है तो आप कर सकते हैं प्रसरित पादोत्तानासन, यह भी बहुत ही अच्छा बेस्ट आसन है, इसको भी आप कीजिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो इस तरीके से आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप शीर्षासन यानी हेड स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको हेड स्टैंड करने में दिक्कत हो तो आप उसको अवॉइड करें, या तो आप रोप के ऊपर भी हेड स्टैंड यानी शीर्षासन
कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरीके से दिक्कत लगती है, आपको नहीं करने का इच्छा हो रहा है, तो आपका जो बेड है, अगर आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा अपने बॉडी को जो है कि हेड को नीचे की तरफ झुका दें, आप बेड के नीचे की तरफ, आधा बॉडी बेड पे आधा बॉडी नीचे झुका कर आराम से 5-7 मिनट 8 मिनट रुकें। और इसके बाद वहाँ पर रुकने के बाद आपको जो है कि थोड़ा रेस्ट करना है, और जैसे 5-7 मिनट हो जाए, कोई तकलीफ होने लगे तो ऊपर आए, नहीं तो आराम से 5-7 मिनट रुकें। और इस तरीके से आपको यह प्रक्रिया कम से कम 5 से 10 मिनट करना है और रोजाना करें, देखिए आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा, यानी आपकी इस समस्या के लिए, इंसोमिया के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इस तरीके से योग अभ्यास करें, जिम वगैरह जाते हैं जिम करें, रनिंग करें, यानी आपको 1.5 घंटा देना ही है। फिर देखिए थोड़ा डाइट चेंज कर लें और सोने से पहले थोड़ा सा गर्म चीज़ें लें, जैसे आप जो है कि थोड़ा सा कोई सूप वगैरह थोड़ा हल्का ले सकते हैं, या थोड़ा सा गर्म पानी भी ले लें तो आपको चलेगा, या तो जो है कि इस तरीके से जो चीज़ें होती है, मतलब हल्की फुल्की थोड़ा सा लाइट वार्म आपको लेना है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके नींद के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा इस वीडियो से। तो इसको आपको रूटीन में कम से कम मिनिमम 21 दिन से लेकर 3 महीने तक फॉलो करना है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको कोई प्रश्न है या क्वेश्चंस है, आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको आपको करना है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें और इस सीक्वेंस का प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, नमस्ते, हर हर महादेव।